गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, गांधी फैमिली व्लॉग। गाइस, बहुत दिन बाद हम व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि दिया के पेपर चल रहे थे, आप लोगों को पता ही है। अभी भी चल रही है तो पेपर खत्म होने के बाद रेगुलर व्लॉग आएगी। तो आज हम हमारे हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज करने वाले हैं क्योंकि थोड़ा सा खराब भी हो गया है। और पहले हमने सोचा था ना कि फेब्रुआरी में हमारे ग्रैंड फिनाले हैं तो तब करेंगे, आप ग्रैंड फिनाले पोस्टपोन हो गया जुलाई में, इसलिए हमने नहीं किया। तो अभी आज हमने सोचा हमारे हेयर स्टाइल चेंज करें क्योंकि लुक अच्छा नहीं लगता जब बाल खराब हो जाते हैं। और साथ में एक गुड न्यूज़ है, इसलिए भी हम करवा रहे हैं। गुड न्यूज़ आपको, आप लोगों को अगले ब्लॉग में बताऊंगी। पहले हेयर देखो, आप ही देख लो मेरे हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, और जब मैं चेंज होने के बाद भी आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग कमेंट में बताना कैसे लग रही हूँ, ठीक है। गाइज, मैं पार्लर जाके बाल सेट नहीं करवाती हूँ क्योंकि बाल सेट करने के लिए हमारा भाई घर पर ही आता है। यही करना है मेरे जितना, मतलब मेरे हेयर स्टाइल आज कितने साल होगी मैं हेयर स्टाइल चेंज करती जा रही हूँ, नहीं 5-7 साल, इतना ज्यादा ही है। इतना टाइम तो वीडियो बनाते भी नहीं होया, दो साल होया जो भी मेरे हेयर स्टाइल चेंज होता है ना, जैसे स्टीका वगैरह डालना या और भी मेरा काफी बार हेयर स्टाइल चेंज हुआ, तो यही करते हैं घर पे आके क्योंकि पार्लर में काफी लंबा टाइम मिल लग जाता है ना, लॉन्ग टाइम लग जाता है, तो इसलिए घर पे ही आ जाता है और बाल सही करके बाल सही दिया। कुर्सी लेके आ गाइस, मम्मी के हेयर स्टाइल बन चुका है, ये है मम्मी का फाइनल। नहीं नहीं गाइस, ये ना मेरा स्टीका, मतलब यहाँ से थोड़ा ब्राउन कलर के आएंगे बाल, और सारे मतलब स्मूथिंग होना बाल अभी बाकी है, ठीक है। फाइनल लुक तो बाकी। कैसी लग रही हूँ गाइस, मैं घर पे ही बुला लेती हूँ इसलिए क्योंकि ना पार्लर में जाके कराऊंगी तो काफी टाइम लगेगा, पुनीत को संभालना भी होता है और ढेर सारा काम भी होता है, तो इसलिए घर पे ही बुला लेती हूँ। घर पे आके कर देते हैं, जो 3-4 घंटा 5 घंटे का प्रोसेस होता है तो ओके हो जाते हैं। कैसी लग रही हूँ मैं, आंखों में नहीं दिखाई दे रहा पर अच्छी लग रही है। भगवान, मैंने ड्रेस इसलिए चेंज कर लिया था क्योंकि ये जो स्टीका लगता है ना, इसके कलर जो सूट पर गिर जाए ना तो सूट को भी कलर खराब हो जाते हैं थोड़ा, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया था। और तो सब बढ़िया ये गाइस, मेरे हेयर स्टाइल चेंज होने के बाद फिर दिया कभी होगा रिबॉन्डिंग तो दोनों का, बस दिया स्टीका वगैरह नहीं डालना ना, सिंपल होगा दिया के, बस रिबॉन्डिंग वो स्कूल होता है ना गाइस वगैरह होना दिया के, अच्छा नहीं लगता गाइस, लग जाएगी 4-5 घंटे की प्रोसेस है। ओके डन गाइस, हमने बाल सही करवा लिए, अब जो चाचू थे वो भी चले गए और 4 घंटे लगे हैं हमें पूरे, देख सकते हो मुझे तो अच्छा लग रहा है काफी। अब हम मम्मी का लुक दिखाएंगे, मम्मी पूरी अंग्रेज बन चुकी है गाइस, आ जाओ मम्मी अंग्रेज मम्मी, हे भगवान। चल इधर कर, तुम्हारा सूट, और आज मैंने ना ड्रेस भी ऐसा ही डाला, वही हेयर स्टाइल। गाइस, मेरा हेयर स्टाइल कैसे लग रहा है पहले मैं आपको बता दूं, जब मैं टिक्की पर वीडियो बनाती थी ना तभी तुम ऐसी थी, तब मेरे हेयर स्टाइल ऐसे थे, तो फिर उसके बाद टिक्की बंद हो गया, टिक्की ऐप, तो उसके बाद फिर इंस्टाग्राम पर बनाने लगी तो दोबारा मैंने किया नहीं, तो अभी सोचा चलो मैं करवा लेती हूं। मम्मी जब तुम स्टार्टिंग में करवाती पूरी अंग्रेज लगते हो, अभी गाइस ये प्रिपेयर होगा, ये तो धीरे आदत होगी देखने की, नहीं हाँ आदत तो होगी। चलो गाइस मैं आपको बता देती हूँ, ये चलो ये तो ऐसे करके देखो, मैं हमेशा बाल ऐसे बनाती हूँ, मैं दिखा देती हूँ बालों की स्टाइल मेरा ऐसे रहती है। ये क्या कर दिया तुमने, ये किया मैं हाथ से कर रही हूँ, कभी से करना था ये तुमने क्या कर लिया, नहीं सही है ये देखो गाइस, ऐसा स्टाइल होता है ना मेरा हमेशा, गाइस पूरी अंग्रेज बन गई मम्मी, तो जाना है ना मेरे घर दुबई, ऑस्ट्रेलिया चलते गाइस। आप ही बताओ कैसी लग रही हो, अच्छी लग रही हो, ऐसे तो मेरा हेयर स्टाइल ऐसे नहीं करना था क्योंकि अभी 2 दिन कम से कम बीच में ही रखना था, मैं एक मिनट आ रही हूँ ठीक करके। क्या था गाइस फिर किया ही क्यों, नहीं जब पता था गाइस अब मैं भी ऐसे ही रहूँगा 2 दिन, कोई नहीं छुट्टी भी है वैसे तो मेरे स्कूल की, हाँ पेपर नहीं है, 5 दिन की छुट्टी है मेरी, 27 को अब मेरा पेपर है, तो तब तक 2 दिन तो मैं बाल खुले रखूंगी। पूरे 4 घंटे 4 आवर्स थक गई हूँ बैठे बैठे गाइस, पार्लर जाके इसलिए नहीं करवाती हूँ क्योंकि ना ये प्रश्न तुमने तीसरी बार उठाया है गाइस, यार वहाँ पे जाके 4 घंटा बहुत मतलब बोरिंग भी लगते हैं और घर में भी ध्यान नहीं होता, इसलिए हम घर पे ही बुला लेते हैं। यहाँ पे ठीक है, बीच में चाय पी जाती है, अभी भी मैं चाय पी रही हूँ, बहुत दिन से ही सोच रही थी ना, हाँ आज आखिर वैसे मुझे अपने बाल बहुत अच्छी लग रही है, किसके बाल ज्यादा अच्छी लग रही है गाइस, नहीं
कंपटीशन नहीं करना। नहीं कंपटीशन नहीं कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ दिया के तो बाल हैवी है उसका अच्छा लग रहा है, और ये जो स्टिका वगैरह मैं जो भी हेयर स्टाइल मैंने बनाया था ये तो मैं पहले से बनाती हूँ और सही है। जो तो मेरे इतने सुंदर हेयर स्टाइल में कलर पड़ जाए ग्रीन तो क्या, कुछ ही दिन रह गए हैं तो क्या बात है, और ज्यादा कलरफुल हो जाएगी मेरे बाल, इतना तुम्हें कलर कराने की जरूरत नहीं। लास्ट टाइम भी मैंने होली खेली थी ना, और 4-5 बार मैंने शैम्पू किया, बार बार हरा हरा आज ना बिल्कुल मेरे हेयर स्टाइल, और देखो मेरे मतलब ऊपर वाले टॉप बिल्कुल मैच कर गए ना, मैं बीच में चेंज कर लिया था क्योंकि ये जो जब हमने ये लेयर वगैरह डालते हैं तो इसका जो कलर होता है ना ड्रेस में जब लग जाए ना तो ड्रेस के कलर फेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। पहले भी मैंने जब कराई थी तब मुझे इतना पता नहीं था, तो मैंने अच्छा इतना सुंदर मतलब वो कुर्ती डाला था दिया फिरोजी कलर वाला, और उसमें कलर बहुत सुंदर कुर्ती था, वो मैंने दोबारा डाला ही नहीं, कभी डालूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उसके बैक साइड में ना मतलब पॉइंट पॉइंट सा जैसे कलर गिरा था तो वहां पे बिल्कुल ही फेड हो गया, तो कुर्ती मेरे खराब हो गई, इसलिए मैंने थोड़ा बीच में चेंज कर लिया था। ओके गाइस मम्मी बहुत खुश है। खुश तो हूँ गाइस, मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है लाइफ में थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। बालों का नहीं मतलब हर कोई चीज में मुझे अच्छा लगता है कि एक जैसे बोर हो जाते हैं ना तो थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ना। ओके गाइस मैं आप लोगों को पहले भी बताया था और दोबारा मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है। अब तो, अपने मुंह से मत निकालना बस। नहीं एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है, तो उसके लिए भी हमारे हेयर स्टाइल सेट करना थोड़ा जरूरी था कि लुक अच्छा लगना चाहिए ना, फिर जब सामने चलो 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 बस सामने वाला हमारे ब्लॉग देखे या रील्स देखे या वीडियोस देखे तो थोड़ा ब्यूटी की होना चाहिए। तो गुड न्यूज मैं अभी नहीं बताऊंगी ना, वो तो ठीक है, तुम ये थोड़े बाल और रह गए थे काले उसमें भी करवा ही लेते गाइस, ये देखो मेरे पीछे से भी हुआ पड़ा है। हां गाइस थोड़े से भी हुआ पड़ा है, साइड में भी हुआ पड़ा है। नहीं नहीं गाइस मैं पूरा कराऊंगी तो मैं फिर यहाँ पे कोई रखेगा नहीं ना, फिर इंडिया से बाहर निकाल देंगे, फिर मुझे बाहर कर देंगे, अमेरिका भेज देंगे, जाओ जाओ आपको यहाँ पे जरूरत नहीं, नहीं पूरा अच्छा लगेगा। फिर और बताओ, और क्या बताओ, वाह मेरे बालों में नजर ना लगे वैसे कहने से नजर नहीं लगते। अच्छा और बताओ, और मैं ये बताना चाहती हूँ अभी मैं पी रही हूँ चाय और बस, और क्या बहुत खुश हुआ थोड़ा हेयर स्टाइल लुक चेंज हो गया मेरा, अब मैं बनाऊंगी इंस्टाग्राम पे 2-3 रील्स क्योंकि थोड़ा सबको शौक भी तो करना है अभी तो। पहले रील आएगी उसके बाद ब्लॉग आएगा। हाँ तो थोड़ा रील्स बना लेती हूँ तो जो फ्रेंड्स वगैरह जो वीडियोस लाइक करते हैं तो उसमें उनको पता चल जाएगी कि सोनिया की थोड़ा स्टाइल चेंज हो गई है। तो गाइस अभी मैं चाय पी रही हूँ तो चाय पी के रील्स बनाऊंगी और फिर आप लोगों से अगले ब्लॉग पर मिलती हूँ, ठीक है, कुछ न्यू धमाका लेके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्लॉग में कुछ ना कुछ एक न्यू चीज होना चाहिए जो हमारे लाइफ में हो रहा है। हाँ वैसे तो फिर गाइस भी बोर हो जाएंगे ना आप लोग, ऐसा तो दिया के पेपर चल रही थी करके हम कहीं जा भी नहीं रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे, आप लोग नहीं हम भी बोर हो रहे हैं कि आप लोगों के पास हम ब्लॉग छोड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ ब्लॉग बना नहीं पा रहे हैं, तो हम वेट कर रहे हैं दिया के 3 तारीख पेपर खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हमारे ब्लॉग डेली अपलोड होगा और आप लोग हमेशा जैसे हमारे साथ बने रहते हो ऐसे ही बने रहना, अपडेट मिलेगा डेली का हमने क्या किया चाहे हम घर पे रहे, घर पे हम बातें करें या हम बाहर जाए, चाहे हम मम्मा का सर खाएं अच्छा हम जो भी करते हैं ना सब आप लोगों को ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो गाइस रील्स बनाने के लिए जा रही हूँ तो ये ब्लॉग यहाँ पे खत्म करती हूँ, और आप लोगों को मेरे हेयर स्टाइल दिया के हेयर स्टाइल कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना, ठीक है आप लोग मिलते हैं अगले न्यू व्लॉग पे और ढेर सारे एंटरटेनमेंट के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय लव यू बाय एवरीवन।